नमस्कार, ब्रह्मास्त्र की डिलीशियस रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे साबूदाना वड़ा। साबूदाना वड़ा व्रत में खाने के लिए हम बनाएंगे। खाने में बहुत टेस्टी लगता है और ये फटाफट बन भी जाता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बनाते हैं साबूदाना वड़ा। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम आलू, हमने इसे उबाल करके और मैश करके रख दिया है। एक नींबू का रस हमने निकाल के रखा है। सेंधा नमक हमने व्रत वाला लिया है, स्वाद अनुसार डालेंगे। एक हरी मिर्च को हमने छोटे टुकड़े में काट कर रखा है। 50 ग्राम मूंगफली के दाने को हमने मोटा पीस करके रखा है। 50 ग्राम सिंघाड़े का आटा हमने लिया है और 50 ग्राम साबूदाना, जिसको हमने 4 से 5 घंटे पहले भिगाकर पानी में रखा था और ये सॉफ्ट हो गया है। हरी धनिया 1 बड़े चम्मच। अब इन सबको इसके अंदर हम मिक्स करेंगे। मैश किए हुए आलू के अंदर हम सिंघाड़ा का आटा डाल देंगे। आप इसमें कूटू का आटा डालकर भी बना सकते हैं। और इसके अंदर सूख किया हुआ साबूदाना, मूंगफली का दाना हमने क्रश करके रखा है, नींबू का रस, हरी मिर्च, हरी धनिया के पत्ते और सेंधा नमक स्वाद अनुसार। इन सारी चीजों को हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे। हम हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसके अंदर हम पानी नहीं डालेंगे और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करके रख लेंगे। देखिए, हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है और इसको हम 5 मिनट के छोड़ देते हैं, फिर इसे हम तलेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा बैटर, वड़े का बैटर हमारा बनकर तैयार हो गया है। और इसे तलने के लिए हमने गैस ऑन कर दिया है और गैस पर हमने रिफाइंड ऑयल कढ़ाई में डाल करके रख दिया है और ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम वड़ा बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा पानी हाथ में लगा लेंगे इस तरीके से और इसे ना थोड़ा सा ले लेकर के हम इसे वड़े का आकार देंगे इस तरीके से। देखिए, इतना बड़ा हम वड़ा को बनाएंगे और इसे प्लेट में रख देंगे और इसी तरीके से हम और वड़ों को बना लेंगे, फिर इसे हम तलेंगे। इसी तरीके से हमने सारे वड़ों को बना लिया है और इसे हम डीप फ्राई करेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, एक एक करके सारे वड़ों को हम तेल के अंदर डालेंगे। सारे वड़ों को डाल दिया है और इसे हम थोड़ी देर छोड़ देंगे। इसको इसी तरीके से धीरे धीरे वड़े हमारे ऊपर आने लगेंगे और फिर इसे हम पलट देंगे। देखिए, हमारे वड़े तल करके ऊपर आने लगे हैं और इसे हम एक एक करके अब पलट देंगे और दोनों तरफ से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। बड़ा हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है और ये फूल करके ऊपर आ गए हैं सर। और इसे हम एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। हमने बड़े तड़का तैयार कर लिए हैं और इसकी प्लेटिंग करते हैं। देखिए, हमारा साबूदाना बड़ा बनकर तैयार हो गया है और बहुत ही टेस्टी बना है। और इसे हमने हरी चटनी हमने बनाई है सेंधा नमक डाल करके। हमने धनिया और पुदीना टमाटर पीस के रखा है इस चटनी के साथ। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, आप इसे जरूर ट्राई करें। फिर एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।